उनको ना खुशी बर्दाश्त नहीं होती अगर उनका जो एक्स है ना रिसेंटली किसी और के साथ चला जाता है हाँ। तो उनके अंदर के कीड़े ना मचने लग जाते हैं उसकी ना एग्जैक्टली अंदर के घिनौने कीड़े मचने लग जाते हैं। आई होप आपने सुना होगा पति पत्नी और वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और वो। सवाल ये है कौन है ये वो, कहाँ से आता है ये वो, क्या करता है ये वो? बेस्ट फ्रेंड, समथिंग लाइक वी आर जस्ट फ्रेंड्स, बस ऐसे ही चिढ़ाने के लिए वो। आई थिंक वो इज दैट पर्सन यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम और हर। मस्ट बी अनदर गर्ल, अनदर गर्ल और अनदर गाय मे बी। या हम मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं यार, कुछ चीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ वर्चुअली एग्जिस्ट करती हैं। रिलेशनशिप खराब हो जाए जिसकी वजह से ये वो जो हमारे दो के बीच में तीसरा एक कबाब में हड्डी आ जाता है वो है, जो कि रिलेशनशिप में बहुत ही स्पाइस क्रिएट करता है, या तो प्यार ला सकता है एक्स्ट्रा या फिर टकरार दे सकता है। वो इज समथिंग यू नो जो इमेजिनेशन में है बट एक्चुअल में नहीं है। पुराना फ्रेंड हो सकता है, किसी का म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, बेसिकली द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द पार्टनर। बाहर की चीज घर में नहीं आ पाती तो वो वही है, जो कि वाइफ कुछ अलग होती है और वो सिर्फ बाहर मिल सकती है। जो बीवी के अलावा दर्द समझ लेते हैं वो होता है, नहीं हाँ लड़का भी हो सकता है। जब अपने वो टाइम नहीं देते तब वो आ जाते हैं, जो तबाहियां करता है दोनों के बीच में, दो लोगों के बीच में रिश्ता तोड़ाने वाला। ये वो एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट है जो घर तोड़ देता है ना, घर तोड़ता वो होता असली वो, जो कि दो बंदों के रिश्ते के बीच में आके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। बिटकॉइन देखा है कभी आपने? नहीं नहीं, लेकिन है वो, लेकिन है वो, है ना। क्या कभी आपकी रिलेशनशिप में कभी कोई वो आया है? यस, मेरी फ्रेंड थी। क्या नाम था? चेरी। नो वो येट। शफाली? नहीं, थैंकफुली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। हाँ, इवन जिसने लाइफ बर्बाद करी हुई और कुछ नहीं, वो ही नहीं आया तो वो तो कैसे आएगा? वो तो कैसे आएगा? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आई है, बस हाँ हमारी शादी जरूर होगी, मैरिड लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है। ये वो आया था, इसके अलावा तो बहुत सारे थे। टाइम प्रॉब्लम थी, टाइम नहीं देता था तो डाइवर्ट हो गया था थोड़ा। वो कमेंट्स मारती थी कि नहीं इससे फ्रेंडशिप मत करो, ये ऐसे वैसे, मतलब गर्लफ्रेंड के बीच में आ रहे हैं। एक्चुअली मैं भाई वो हूँ जिसकी आप बात कर रहे हो। आई है, ऑफ कोर्स आई है। कैसे आई थी? मतलब आई मीन वो की तरह पहल किसने करी थी, वो ने आपने? दोनों म्यूचुअल था यार, वो कोई अपना बना लिया। अच्छा, वो कोई अपना बना लिया, तुम ही थे वो, तुम ही आए थे बीच में। अरे बहुत सारी आती हैं बट फिर हम दिल को संभाल लेते हैं, हमें संभालना पड़ता। नहीं अभी वो चांस नहीं है। मैं था गाइस, ऐसे दिखते हैं वो, ये है वो का चेहरा। इस वो से बचने के लिए कपल्स क्या करें कि लाइफ में कभी वो ना आए? ट्रस्ट, प्यार दे, टाइम दे, इम्पोर्टेंस दे। पहले तो थोड़ा फ्रीडम दे ही देना चाहिए, और जितना बचा के रखोगे उतना बंदा बाहर जाने की कोशिश करता है। वो अगर रहेगा भी तो आई थिंक लाइफ इज सॉर्टेड, आई थिंक या आना चाहिए वो। वो अपने काम से काम रखे, सबसे बढ़िया चीज है। मोर कम्युनिकेशन, मोर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा इधर उधर कम देखना चाहिए। वो आना चाहिए। हाँ, ऐसे पता लगता है तो पता लगता है कितना प्यार है अपने बंदे को। टेलीफोन साथ लेके चले हमेशा। ओह, इट्स नॉट लाइक दैट, कम्युनिकेशन मींस इट्स नॉट ओनली, मतलब पर्सनल आप कितनी बातें करते हो, यू नो। आने दो वो को, अगर अच्छा बंदा है तो वो को इग्नोर करेगा। कुछ नहीं कर सकते इसमें, कोई कपल कुछ नहीं कर सकता, जिसको आना होता है ना वो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। अगर विश्वास होगा रिश्ते में तो कोई आएगा ही नहीं, वो की जगह ही नहीं है। दोनों खुद में इतना एंगेज रहे कि वो की जगह ही ना हो। अगर कभी भी डाउट आता है तो प्लीज क्लियर इट, सीधे सीधे मुंह से बात कर लो, क्या दिक्कत है यार। दोनों एक साथ रहो, हैप्पी रहो। अगर उसके लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड भी आ रही ना तो आन दो यार, लेकिन अपनी जगह बनाए रखो। डोंट लेट दैट कम्युनिकेशन गैप कम इन बिटवीन यू बोथ ऑफ यू। ये मैसेज देना चाहूंगी, अगर वो आ जाए इन केस तो उससे प्यार बढ़ना चाहिए, यू नो, और क्लोजनेस आनी चाहिए कि वो की जगह ना खत्म हो जाए। दोनों कपल्स इस वो को आके साथ में एंजॉय कर ले। पति पत्नी और वो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और वो, पति पत्नी और वो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और वो, पति पत्नी और वो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और वो।